अल्लाह का कुरान फरमा दिया वल्लैल इज़ा सजा, सोने मनु तेरिया जुल्फा की भी कसम, मनु तेरे चेहरे की भी कसम, सानू सोने नबी ने भेजी है जिदी शान है वे, जड़ा मदीने ते मक्के दियां गलियां च तवज्जो मेरे वल जुमले जाया ना करे आजे, मैनू सोने नबी ने भेजी है जड़ा मक्के दियां गलियां च चले, अल्लाह दा कुरान फरमा दे उतसिमो बिहाज़ल बलद, मनो तेरिया ना गलियां दी कसम, जिन्ना गलियां च तू कदम लाए रब्बे कायनात दी बारगाह चज करिए मौला, उन्हां गलियां दी कसम क्यों तू जनाब ये पंजाब दिया गलियां दी कसम नहीं चुकी, ये यूरोप दिया गलियां दी कसम नहीं चुकी, उन्हां गलियां दी कसम चुकन दी वजह की है अल्लाह हो भी जमीन ये भी तेरी जमीन, ये तू मस्जिद की कसम नहीं चुकी, ये मेरे अल्लाह उन्हां गलियां दी कसम चुकन दी वजह की है, हाल के कायनात ने फरमाया सवालिया ओए सवाल करन वालिया जरा सुन ले, ए जमीन भी मेरी ओ जमीन भी मेरी, लेकिन मैं जमीन की कसम नहीं चुकी, मैं उस जगह की कसम चुकी है जिस जगह पे मेरे कमली वाले ने कदम लगे हुए। अल्लाह ने हुक्म फरमा दिता नमाज, हुक्म आया कुरान के अंदर, अल्लाह फरमाता है कि नमाज कायम करो, जकात हुक्म आया कुरान के अंदर, अल्लाह ने फर्ज फरमा दी, रोजे का हुक्म आया कुरान के अंदर, अल्लाह ने फर्ज फरमा दी, हुन ए आप तुसा समझना है कि वालिदैन दे उत्ते एहसान करन दे जिक्र नूं अल्लाह दा कुरान हुक्म फरमांदा है, कि खालिक कायनात दा कुरान है ऐलान फरमांदा है। अगली बात हदीस मुबारक, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तिर्मिज़ी पाक की हदीस मुबारक है, हजूर इमाम अलंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बंदा देखना चाहता है, चेक करना चाहता है कि मेरा खुदा मेरे ते राजी है कि नहीं राजी, वह बंदा घर जाके अपने बुढ़े माई बाप को देख लवे, जे ओदा बाप ओदी मां ओदे ते राजी है समझ ले खुदा भी ओदे ते राजी है, सोना मुस्तफा भी ओदे ते राजी है। किसे खतीब किसे मुफस्सर किसे आलमे दीन किसे इमाम दी गल होवे ते ना मनो, लेकिन मेरे कंपनी वाले दी बात है, हजूर फरमांदे ने जड़ा बंदा अपने वालिदैन ते राजी और वालिदैन ओदे ते राजी है ओ समझ ले खुदा भी ओदे ते राजी है ते सोना मुस्तफा भी ओदे ते राजी है। अगली गल सुनो अहबाब, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामों कि ए वालिदैन कैसा अनमोल तोहफा, कि खालिक कायनात ने ऐसा अजीम तोहफा नियत फरमाया है, ऐसी अजीम नेमत है कि जिस वक्त दुनिया तू चले जान फिर एहसास होता है, फिर पता लगता है कि एक ऐसा अनमोल तोहफा सी। सुनो मैं अपनी गल नहीं नबी पाक की, मैं गल तो अपनी गल का आगाज करना चाहना, सुने नबी की चंद साल उम्र हजूर इमाम अलंबिया सलातो सलाम मदीने दी गलियां दे अंदर अबू जाहल ने ना मेरे सोने नबी दे सर दे अंदर पत्थर मारिया, हजूर दा सर फट गया, खून बहन लग पिया, सोने नबी दी मां भी कोई नहीं, सोने नबी दा बाप भी कोई नहीं, मेरे सोने नबी चलते चलते ना बैतुल्ला दे करीब गए ते जाके कहंदे ने बैतुल्ला वाले आ वेख ले मैं तेरी जात वास्ते पत्थर पिया खाना ते अज मैनू पुछण वाला ही कोई नहीं, सोने नबी सुबह तो लैके ते शाम तक उत्थे रोंदे रहे काबे दे गलाफ नू फड़ के, जिस वक्त सोने नबी रो रहे ने ना ते एक लौंडी हजरत मीरे हमजा दी कोलू पे गुजरती है ते हजरत मीरे हमजा शिकार वास्ते गए, रात नू वापस आए ते लौंडी खाना के रखन लगी ते लौंडी दियां चीखा निकल गईयां, हजरत मीरे हमजा फरमांदे ने लौंडी रोनी क्यों है, कहंदी है जो रोवां क्यों ना अज मैं मदीने वाले नु वे के आई हां, मदीने वाला बड़ी जारो कतारी दिना रोंदा पिया है, हजरत मीरे हमजा पूछदे ने लौंडी रोन दी वजह की है, मेरा सोना क्यों रोया है, ते मीरे हमजा भी अरे कलमा नहीं पढ़िया, जिस वक्त लौंडी दासी कहंदी है अबू जाहल ने अज सोने नु मारे है, हजरत चाचा मीरे हमजा उठे ते उठ के जाके अबू जाहल नु कहन लगे ओ कमीने आ बड़ा वड्डा तू कमीना इंसान है, ओए क्यों उस बच्चे नु मारी आई जिनु लोग मोहम्मद कहंदे ने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वली वसल्लम, जिस वक्त जितनी गल की हजरत मीरे हमजा ने तलवार फड़ी और इंज करके सिर के अंदर मार के ओदा भी सिर फाड़िया, मेरे नबी का चाचा चलदा चलदा हजूर दी बारगाह जा के कहन लगे सोनिया मदीने दी माहिया परेशान होने की लोड़ नहीं, मैं तेरा बदला लैके आ गया, जे जौक है तो मैं तुहानू गल सुनावा, मुहब्बत ना बोलो जरा सुभान अल्लाह, आओ फिर मुसलमानों सुनो मेरे नबी पाक
इमाम उलंबी अली सलाम को सलाम नल प्यार फरमाने वालो खालिक कायनात ने वालिदैनु की शान अता फरमाई है वालिदैनु की मकाम अता फरमाई है मेरे नबी पाक ने वालद अभी विसाल हजूर दी अम्मा अभी विसाल हो गई है सोना नबी दुर्रे यतीमे इंज बैतुल्ला दे तवाफ नु फड़ी है सोने नबी दी अखा नम हो गई हजूर दारो कतारी दे नाल रोंदे जा रहे ने हजरत अमीर हमजा बदला लेके वापस आ गए ओए मुसलमानो अज वालिदैन नाल बड़ा प्यार है वालिदैन नाल बड़ी मोहब्बत है ए जदों वालिदैन दा साया ए सिर तो उठ जांदा जे ए वालिदैन बड़ा अनमोल तोहफा है मुसलमानो सुनो मेरे नबी दे चाचा बदला लेके वापस आ गए आके लगीदी सोने आ सोने आ मैं तड़ा बदला लेके आ गया मेरे नबी पाक ने फरमाया चाचा मेरा कोई चाचा नहीं मेरा कोई पापा नहीं कदी अज मेरा भी बाप होंदा अज कदी मेरी भी मां होंदी मैं सुबह दुआ के थे रोना पियावां जिवें अज मैनू अबू जहल ने मारिया है कदी मेरा बाप मेरे सर ते होंदा कदी मेरी मां मेरे सिर ते होंदी मैनू किसे ने हद ने सी लाना मैं अपनी मां दे कोल चले जाना सी मैं अपने बाप दे कोल चले जाना सी मुसलमानो सुनो मेरे नबी पाक ने इंज चाचे ने सीने लाया चाचा सीने ला के कहंदा बेटा चुप कर जा मैं तेरा बाबा मैं तेरा चाचा वा मेरे इमाम उलंबिया जारो कतारी दे नाल रोन लग पे हजूर नूं अज अपनी मां दी भी याद आ गई अज अपने बाप दी भी याद आ गई मेरे सोने नबी रोंदे जा रहे ने हजूर जारो कतारी दे नाल रो रहे ने चाचा अमीरी हमजा ने सीने लाए आख्या भतीजिया ओए चुप कर जा मैं तेरा चाचा आया हकीकत बात है और हाथ जोड़ कर करना चाहना जिन्हां दे वालिदैन हयात ने रब्बे काबा दी कसम अपने वालिदैन नाल प्यार मुहब्बत कर लो जिस वक्त इन्हां दा साया सिर ते जहां तो उठ जांदा है फिर मैं वेखिया के लोगों नूं जारो कतारी दे नाल रोंदे आ लोग अपना जनाबे आला सर जमीन ते ते कंधां दे नाल मारदे ने लेकिन अज इन मोल तोहफा मिलिया इन्हां दी कदर कर लो सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो अज जनाब असीं कमाइयां करने आ कारोबार करने आ लेकिन असी कहने असी जनाब कमाइया असी करिए तो साढ़े वालिदैन खर्च कर दें मैं अपनी गल नहीं मैं सोने नबी की गल सुनाना हजूर का दरबार मेरे मुस्तफा जाम मस्जिद अंदर आप जलवा गर्क सहाबा का जमे गफीर है हजूर की बारगाह के अंदर ना एक गुलाम आया आके कह लगा सोने मदीने दिया माहिया मैं एक अर्ज करना चाहना मेरे सोने नबी ने फरमाया गुलामा बोल की कहना चाहना है और जड़े उन्हें जुमले आखे कह लगा हजूर मैं अपने वालिद की शिकायत लेके आया मैं अपने बाप की शिकायत लेके आया हजूर इमाम उलंबिया की कचहरी लगी मेरे सोने नबी मदीने दे ताजदार आपने ना ए इंज करके उस गुलाम वल वेखिया ते हजूर फरमांदे ने बोल की कहना चाहना है कहन लगा सोनिया मैं कमाई करना ते मेरा बाप मेरी कमाई नूं खर्च कर देंदा है ते हजूर मेरे बाप नूं बुलाओ ते मेरा फैसला फरमाओ जिस वक्त पुत्र ने इन्नी गल सुनाई ना दे खालिक कायनात ने फरमाया जबरील रब्बे जलील हुक्म होवे आख्या जबरील जल्दी कर ते सोने दी बारगाह च जा जाके कह सोने उन्नी देर तक फैसला नहीं करना जिनी देर तक एदा बुढ़ा बाप इस मजलस च हजूर एदे बाप नूं बुलाओ नबी पाक दे सहाबा चले चलदिया चलदिया ना सहाबी उस मकाम ते पहुंचे जिस वक्त मकाम ते पहुंचे ते जाके ओदे बाप नूं कहंदे ने चल तैनूं मदीने दा ताजदार पिया बुलांदा ई कहंदा मैं उन्हां रावां तों सदके जावां मैं उन्हां रावां ते अपनियां पलकां विछावां जिन्हां रावां ते तुसीं मेरे नबी दे कासद चल के आए हो लेकिन दसो ते सही अज मैनूं हजूर ने बुलाया क्यों वे एक गुलाम बोल के कहन लगा बाबा
अज तेरे पुत्र ने जाके कमली वाले की बादगाह शिकायत लाई है ते तेनू सोना नबी ने बुलाया है ते जिस वक्त बाप उन मदीने दियां गलियां दे अंदर चलिया ना ते कप कपी तारी है ते अखां नम हो गई। खालिक कायनात ने फरमाया जबरील जाके सोने नू कह सोनिया उन्नी देर तक फैसला नहीं फरमाना एदा बाप आ जाए उन्नू कहीं जड़े सीने च तू शेर लिखे ने मैनू शेर जरा सीने के अंदर दर्द लिखिए ना दर्द मनु सुना। बाबा हजूर की बारगाह चाहिया हाथ बन ले मेरे सोने नबी ने फरमाया बाबा जरा मनु ओ राज दियां गल्लां ते सुना जड़े तू शेर अपने दिल के अंदर लिखे हुए ने। बाबे दी रूह तड़प गई। बाबा कहन लगा सोनिया मैं ते अगे ही तेनू मानना सा कि तू अल्लाह दा सच्चा नबी है ते मैं जड़े दिल दे अंदर शेर लिखे ने ओ ते मैं ते मेरे तो अलावा ते कोई जानदा ही नहीं। मैनू पता लग गया सोनिया तू वाकई अल्लाह दा सच्चा ते नबी है अल्लाह का तू सच्चा ते पक्का रसूल है। तवज्जो है बाप। बाबा जिस वक्त हजूर की बारगाह के अंदर बैठा मसनद लगी सहाबा का जमे गफीर मेरे सोने नबी ने फरमाया बाबा जरा सुना वो जड़े दर्द भरे शेर तो अपने सीने के अंदर लिखे ने जे ता जौक है तो मैं उसकी तर्जमा नहीं फरमावा बाबे ने की लिखिया सी जरा मुहब्बत ना बोलो सुबहान अल्लाह जड़े वाले दैन की खिदमत कर दो बोलो सुबहान अल्लाह। आओ मुसलमानों सुनो मेरे इमाम अंबिया नाल प्यार फरमाने वालो हजूर दी बारगाह चो सहाबी निकले निकल दिया उस बाबे दे मकाम ते आए ने आके दस्तक दीती इंद्रों बाबा बाहर आए है आन वाले हो कौन आए हो। बाबा ने जिस वक्त पूछी है हजूर दे सहाबी कहंदे ने बाबा असी सोने नबी दे भेजे हुए गुलाम आए सानू सोने नबी ने भेजी है सानू वद्दू हाथ मुखड़े वाले ने भेजी है सानू वल्लैल दियां जुल्फां वाले ने भेजी है सानू हां मीम दियां कुंडलां वाले सोने महबूब ने भेजी है सानू उस सोने नबी ने भेजी है जिदी शान आला जिदा मकाम आला मैथे बरकत वास्ते कुरान पढ़ देवां हजरात मैथे हसूले बरकत वास्ते अज़ाए मुस्तफा दे कुरान पढ़ा वो गुलाम कहंदे होणगे बाबा सानू उहने भेजी है जिदी शान आला जिदा मकाम आला जिदा रुतबा आला जिदा हसन भी आला जिदा हुसैन भी आला जिदा अबू बकर भी आला जिदा अली भी आला जिदा उमर भी आला। ओए मुसलमानों सुनो मैं थे अज़ाए मुस्तफा दे मैं थे बरकत वास्ते कुरान पढ़ना जाना ओ गुलाम कहंदे आणगे बाबा उस महबूब ने भेजी है जिदे चेहरे ते जिक्र अल्लाह दा कुरान फरमांदा है अल्लाह दा कुरान फरमांदा है वह तो है। कुरान सुन के बोलो जरा सुभान अल्लाह। ओ सोने महबूब ने भेजी है जिदी जुल्फा दी वारी आ जाए अल्लाह दा कुरान फरमांदा है वह लैल इज़ा सजा सोने मनु तेरिया जुल्फा की भी कसम मनु तेरे चेहरे की भी कसम सानू वो सोने नबी ने भेजी है जिदी शान है वे जड़ा मदीने ते मक्के दिया गलियां तवज्जो मेरे वल जुमले जाया ना करे आजे मैनू वो सोने नबी ने भेजी है जड़ा मक्के दिया गलियां च चले अल्लाह दा कुरान फरमा दे मनू तेरिया ना गलियां दी कसम जिन्ना गलियां च तू कदम लाए रब्बे कायनात दी बारगाह चंद करिए मौला उन्हां गलियां दी कसम क्यों तू जनाब ये पंजाब दियां गलियां दी कसम नहीं चुकी ये यूरोप दियां गलियां दी कसम नहीं चुकी उन्हां गलियां दी कसम चुकन दी वजह की है अल्लाह यो भी जमीन ये भी तेरी जमीन ये तू मस्जिद दी कसम नहीं चुकी ये मेरे अल्लाह उन्हां गलियां दी कसम चुकन दी वजह की है। हाल के कायनात ने फरमाया सवालिया ओए सवाल करन वाले जरा सुन लै ए जमीन भी मेरी ओ जमीन भी मेरी लेकिन मैं जमीन की कसम नहीं चुकी मैं उस जगह की कसम चुकी है जिस जगह पे मेरे कमली वाले ने कदम लगे हुए
उस जगह की कसम चुकी है जिस जगह से मेरे कमली वाले के कदम लगे हुए हजरात मेरे सोने नबी दी उन्हें गलियां की भी कसम अल्लाह ने कुरान बना दी तो मेरा तेरा सोना नबी दे अल्लाह कुरान बना दे मेरा तेरा सोना नबी चादर ओढ़े अल्लाह कुरान बना दे मेरा तेरा सोने नबी का जिक्र अल्लाह का कुरान मेरे तेरे सोने नबी दे चेहरे का जिक्र अल्लाह का कुरान मेरे तेरे सोने नबी दियां जुल्फां का जिक्र अल्लाह का कुरान ओए मुसलमानो जिस वक्त इन्नी गल हुई जिस वक्त माजरा पेश आया बाबे की बारगाह के अंदर हजूर दे साहबी बोल के कहते ने बाबा अज असी आपे ही नहीं आए सानू मदीने वाले ने भेजिया सानू कमली वाले ने भेजी है ओए मुसलमानों मेरे वक्त दे अंदर इतनी गुंजाइश नहीं आओ मैं अपनी बात की तरफ अपनी बात को समेटा जिस वक्त नबी दे सहाबा ने बाबे की बाहर गजत की थी मेरे सोने नबी दी पैगाम आया है बाबे ने अज हाथ पन्ने अर्ज की थी ओए आन वाले ओ मैं तड़िया रामा चपड़िया पलकों में छावा जिन्ना रामा ते मेरे हजूर दे गुलाम चल गया है लेकिन जरा दसो दे सही मैनु कमली वाले ने बुलाया क्यों है मैनु सोने महबूब ने बुलाया क्यों है अज वालिदैन नाल प्यार करने वालो वालिदैन दा अदब करने वालो अज सुनो वालिदैन दा की मकाम अज सुनो वालिदैन दी की शान है जिस वक्त बाबा चली है नबी दा एक गुलाम बोली है कहंदा बाबा तेरा बेटा जाके नबी पाक दी बारगाह तेरी शिकायत लेके आया जिस वक्त बाबे दियां अखां नम हो गईयां खाल के कायनात ने फरमाया जिब्रील रब्बे जलील कम होवे आख्या जबरील जल्दी कर अज सोने दी बारगाह चला जा मदीने वाले दी बारगाह चला जा वदू हाथ मुखड़े वाले दी बारगाह चला जा जाके कह दे सोने आ तेरा रब प्या फरमाते उन्नी देर तक फैसला नहीं करना जिनी देर तक दा बाप ने आ जाए आओ नौजवानों सुनो वाले दैन की मकाम वाले दैन की शान वाले दैन रब ने की मकाम अता फरमाया हजरात बाबा चलदा चलदा मेरे कमली वाले दी बारगाह च आया नबी दी बारगाह च आया वदू हाथ मुखड़े वाले दी बारगाह च आया मेरे सोने नबी ने इंज बाबे नु जनाब कोल बैठा लिया मेरे सोने नबी ने फरमाया बाबा जरा वो शेर सुना जड़ा अपने दिल दे अंदर लेके आया ओए मुसलमानो सुनो अल्लाह दे नबी नाल प्यार करने वालो अल्लाह दे नबी नाल मुहब्बत करने वालो अज अपने वालिदैन नु सताया ना जे अज अपने बुढ़े माई बाप नाल प्यार कर लिया जे अज अपने मां बाप नाल प्यार कर लिया जे ओए जिन्ना दे मां बाप ओदे ते नाराज हो जान ओए रब भी नाराज हो जांदा जे रब दा हबीब भी नाराज हो जांदा जे मुसलमानो जिन्ना वालिदैन नाल प्यार कीता जिन्ना वालिदैन दा अदब कीता उन्हां नु शान मिलिया उन्हां नु मकाम मिले उन्हां नु रुतबे मिले आओ मुसलमानो जिस वक्त बाबा हजूर दी बारगाह हुण बाबा अपना दर्द सुना लगे जरा जुमले सुन के तड़प जाओगे बाबे ने अज हद मन्ने अर्ज की सोने मेरी शादी हुई मैं दुआ की मेरे अल्लाह मैनू बेटा अता कर मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ नु कबूल फरमाया मेरे अल्लाह ने मैनू बेटा अता किया सोने ए मेरा बेटे का बचपन मेरे वास्ते कमाइया कीतिया ए मदीने दियां गलियां इस गल की गवाही देनगियां सोने मेरे वास्ते कमाइया कीतिया मैं रात भर तक मैं जाग जाग के गुजार दी अगर ये बीमार हो जाता मैं सारी रात कभी सुता नहीं मैं अपने बच्चे के नाल प्यार किया मैं अपने बच्चे के नाल वफादारियां कीतिया सोने मैं सारी जिंदगी कमाइया करके नू खिलाया लेकिन जदों इहदी उम्र वड्डी हो गई जदों इह जवान होया मेरी कमर झुक गई सोने मैं बुजुर्ग हो गया लेकिन अज वक्त आ गया है अज वेला आया है मैं कमाई नहीं कर सकता मैं कारोबार नहीं कर सकता मैं मजदूरी नहीं कर सकता सोने मेरे वास्ते बड़िया मजदूरियां कीतियां मेरे वास्ते बड़िया कमाइया कीतियां लेकिन अज मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ अज मैं बुढ़ा हो चुकी हूँ सोने मैं दा माल कि फजूल नहीं करता एदा फजूल खर्च नहीं करता लेकिन मैं दा माल
एदियां बैना ते खर्च करना, अपनियां बेटियां ते खर्च करना। जदों बेटियां बाप ते बुए ते आ जांदियां ने, जदों तियां बाप ते बुए ते आ जांदियां ने, बड़ियां आशां ते उम्मीदां लै के आउंदियां ने, बड़ियां बड़ियां उम्मीदां लै के आउंदियां ने। अज हद जोर गिंद करांगा जिन्हां दे वाले दैन दसाया ए सिर तो उठ जांदा जे, कदी अपनी बेटियां दे नाल उच्ची आवाज नाल गल ना करिया जे। ओए तियां बड़े मान लै के आउंदियां ने, ओए तियां बड़े मुकद्दर लै के आउंदियां ने। ओए मुसलमानो, जदों वालिदैन दा साया सिर ते होवे फिर तियां बड़े मान लै के आउंदियां, फिर तियां बड़ी खुशी दे नाल आउंदियां। जिस वक्त हजूर दी बारगाह च कीती सोने आ, मैं दियां पैणा ते खर्च कर देना, मैं अपनियां बेटियां ते माल खर्च कर देना। मेरे सोने नबी दियां अखां नम हो गईयां, हजूर दे सहाबी रोण लग पे। किते अबू बकर पे रोंदे ने, किते उमर पे रोंदे ने, किते उस्माने गनी पे रोंदे ने, किते मौला अली पे रोंदे ने, किते अबू हुरैरा रोंदे पे ने। मेरे सोने नबी दियां अखां नम हो गईयां। मेरे सोने नबी ने फरमाया, हजूर इंज अपनी मसनद तू खड़े होए। मेरे सोने नबी खड़े हो गए, उस गुलाम नू फड़िया। मुसलमानों जुमले सुनिया जे, मेरे सोने नबी, ओ सोने नबी ने अज फड़िया जिन्हों कफार पत्थर मारे। मेरे सोने नबी हाथ चुके दवा की, अल्लाह इन्हों हदायत अता फरमा। मेरे सोने नबी दे कदमां च अगर कांटे बिछाए गए, मेरे सोने नबी बदवा नहीं की, हाथ चुके दवा की, अल्लाह इन्हों हदायत अता फरमा। लेकिन मुसलमानो, वालिदैन दा की शान, वालिदैन दा की मकाम। अज बड़े बड़े बदबख्त लोग जड़े वालिदैन नाल जनाब उच्ची आवाज नाल गल्लां, वालिदैन दियां बेअदबियां, वालिदैन दियां गुस्साखियां। लेकिन मेरे तेरे अल्लाह दा कुरान, मेरा तेरा कुरान है, कहंदा अपने वालिदैन दे अगे उफ़ भी ना करिया जे। उफ़ वाला तन हर होमा, अपने वालिदैन दे अगे उफ़ भी ना करिया जे। अगर तुसा वालिदैन नू नाराज कीता, ओए तुहाडा जग भी नाराज हो जाएगा, जग दा रब भी नाराज हो जाएगा, रब दा हबीब भी नाराज हो जाएगा। मेरे सोने नबी अपनी मसनद तू खड़े होए, हजूर ने गुलाम नू जोड़ के आख्या, गुलामा ओए सुन लै, अपने माल ते फखर ना करी, ओए अपने माल ते जनाब फखर ना करी। ए माल तेरा नहीं, ए तेरा माल तेरे बाप दा माल है। सोने नबी ने हुक्म फरमाया, हजूर ने फरमाया, ए तेरा माल तेरे बाप दा माल। मुसलमानों में केड़ी गल सुनावा, अज जनाब लोग कहंदे ने मां दे कदमां दे थले जन्नत। ए वाकई गल ठीक है, मां दे कदमां दे थले जन्नत, लेकिन बाप भी, बाप दी की शान, बाप दा की मकाम। रब ने बाप नू की इज्जत अता फरमाई है। मेरी तेरी जन्नत साडे मां दे कदमां थले, लेकिन साडी जन्नत जिस मां दे कदमां दे थले, उस मां दी जन्नत साडे बाप दे कदमां दे थले। अल्लाह अहबाब तवज्जो, मेरे सोने नबी ने फरमाया, ए माल तेरा नहीं, ए जड़ा तेरा माल है, ए माल तेरे बाप दा है। तवज्जो है, डट के कहो जरा सुभान अल्लाह। अगली बात, मेरी तेरी जन्नत साड़ी मां दे कदमां दे तले, उस मां नाल प्यार मुहब्बत खिदमत करना साड़ा फर्ज है, लेकिन साड़ी मां दी जन्नत साड़े बाप दे कदमां दे थले। इत्थे एक गल सुन लो ते मैं अपनी गल दा आगाज करा। मेरे सोने नबी ने फरमाया, हदीस मुबारक है, हजूर फरमाते ने जड़ा दुनिया के उत्ते रह के अपने बाप नू पानी दा गिलास पिलांदा, मैं सोना नबी कल क्यामत वाले दिन उन्हूं हौज़े कौसर पिलावा। जड़ा इस दुनिया के उत्ते रह के अपने बाप की खिदमत करता है, बाप नाल प्यार करता है, बाप की वफादारी करता है। ओए मुसलमानों, अगर बाप नू इस दुनिया के उत्ते रह के पानी पिलाइए तो सोना नबी कल क्यामत वाले दिन हौज़े कौसर अता फरमाएगा, तो फिर कोई सौदा एडा मठा तो सौदा। अगली बात सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त हुक्म फरमाया ना, हजूर ने फरमाया, सहाबा कौन है जरा हज तो उमरा करना चाहता है? तवज्जो है, डट के कहो सुभान अल्लाह। कौन है जरा हज तो उमरा करना चाहता है? सारे सहाबियां हाथ खड़े,
ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਰੀਬ ਸਾਹਬੀ ਵੀ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਪੈਸੇ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ ਉਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਬਾ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏ ਬਾਤ ਲਿਖ ਲਓ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਜ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਏ ਹਜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪਰਚੀ ਕਲਮ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਿਆ लेकिन लिख के नहीं देगा। मैं जड़ी गल दसन लगा वो लिख लो किसी खतीब किसी मुफस्सर किसी आलम दीन की गल हो ना मनो ये मेरे सोहने नबी की जुबान चो जो जुमला निकलिया है रब ने हक ते सच फरमा छड़े क्यों सोना नबी उन्नी देर तक बोलता ही नहीं। अल्लाह फरमांदा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा सोनिया तू जरा बोल जुबान तेरी होंदी है गुफ्तगू तेरे खुदा दी होंदी है तवज्जो फरमाओ मेरे सोने नबी ने ऐलान फरमाया हजूर फरमांदे ने साहबा सुनो अपने घर जाके अपने वालिदैन दे चेहरे नू मुस्कुरा के वेख लिया करो अल्लाह मकबूल मकबूल कबूल होया मकबूल हज ते उमरे दा सवाब अता फरमा छड़ेगा। अगर कोई दो बारी वेखे मेरे सोहने नबी ने फरमाया दो हज ते उमरे मकबूल दा सवाब अता फरमाया। तीसरे साहबी खड़े हुए हजूर 3 बारी चौथा साहबी 4 मेरे सोहने नबी ने फरमाया हजूर फरमाते ने साहबा बह जाओ केड़ी गिनती च पै गए हो अपने वालिदैन के चेहरे नू जिन्नी बड़ी कोई मुस्कुरा के वेखेगा मेरा खुदा उन्नी बारी हज ते उमरे दा मकबूल दा सवाब अता फरमाया। मेरे सोने नबी ने फरमाया सहाबा जुम्मतुल मुबारक नू ना अपने वालिदैन दियां कबरां ते जाया करो जड़ा बंदा जुम्मतुल मुबारक नू अपने वालिदैन दियां कबरां ते जांदा है अल्लाह ओदे पिछले हफ्ते दे सगीरा गुनाहां दी माफी अता फरमांदा है अल्लाह दे पिछले सगीरा गुनाहों नूं माफ़ी अता फरमा दिता है। मेरे सोहने नबी इमामुल अंबिया अलैहि सलातो सलाम ने हर मकाम दुते वालिदैन दा अदब वालिदैन दी शान वालिदैन दा मकाम दसिया मुसलमानों ए वालिदैन बड़ा अनमोल तोहफा है अज कदर नहीं करदे अज असीं और मौलाना रूम इस बात नूं नकल करदे ने मस्जिद शरीफ के अंदर आप फरमांदे ने एक नौजवान ते अपने घर आया ओदी बीवी कहण लगी कि ए तेरा ना बाप बड़ा बुढ़ा हो गया है ये खांसी करदा है ते मैनूं कराहत महसूस हुंदी है ते अपने बाप नूं ना किते दूर छड्ड किया ओ थोड़ा जिहा वेला गुजरिया उन्हें अपने बाप नूं नाल लिया एक पाटा जिहा कम्बल लिया ते लै के ना ते जिस वक्त निकलिया ते एक जंगल मकाम आया ते जिस वक्त घरों निकलन लगा सी ना उहदा नाल नन्ना जिहा बच्चा सी ते ओ बच्चा जे तुहाडा ज़ौक है ते फिर मैं गल सुना ना वावां थोड़ा जिहा मुहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह और नीयत यह करके जानी है कि अगर साढ़े कोई खता तो अज माँ के प्यो के कदमों हाथ ला के करनी अम्मा जी एक बार माफ़ी दे दौ सारी जिंदगी कभी ना फरमानी नहीं करा तो जिन्हों के वालिदैन इस दुनिया तो तुर गए ने ना उन्होंने पतो उन्होंने पुछ के वेखो कि दर्दमंदा कैसा दर्द लग जाए तो फिर की जानी असी जिन्हों के वालिदैन इस दुनिया तो चले जाने फिर वो रोंद तड़पते हैं लेकिन फिर वो वालिदैन वापस नहीं आ सकते अज मैनू तेनों बड़ा अनमोल तो फकत ही सोच गौरव फिक्र लेकिन वक्त दूर न जे मुसलमानों जो असा भी इस मकाम से आ जाना है जो असा भी बाप बन जाना है तवज्जो फरमाओ मौलाना रूम इस बात को नकल करते हैं आओ मुसलमानों जिस वक्त नौजवान घर आए ओदी बीवी बोल के कह लगी मेरे सरदे साई ये तेरा बाप बुजुर्ग हो चुकी है ये खांसी करते मैनू कराहत महसूस होंगी है अपने बाप नूं किते दूर छड गया हजरात पुत्र ने बाप नूं नाल लिया एक पाटा जिहा कंबल नाल लिया चलदा चलदा एक जंगल दे मकाम ते आया है अज नौजवान दे नाल ओदी चंद साल उम्र दा बच्चा मौजूद है जिस वक्त अपने बाप ने एक दरख्त दे नाल एक जंगल दे आसरे ते बिठा दिता है इंज कंबल दे दिता है कहंदा बाबा मैं अज चलना मैं फिर थोड़े दिनों तो बाद वापस आवा करांगा मौलाना रूह ने इस बात नूं नकल कीता है जो नौजवान चलिया ओदा पुत्र पिछे रुक गया जाके दादे कोलों कंबल लिया उस कंबल दे दो टुकड़े कीते दो टुकड़े करके एक कंबल का टुकड़ा अपने कंधियां ते रख के तुरी है हुण बाप पुछदे ओए बेटा अपने दादे दे कंबल दे दो टुकड़े क्यों कीते कहंदा बाबा मेरा दादा बुढ़ा ही हो गया मेरा दादा बुजुर्ग हो गया
मेरे दादा ज़ईफ हो गया, आज तुसी मेरे दादे नु इत्थे छड के चले हो, कल मैं भी ताडी सीट ते आ जाना है, मैं भी कल जवान हो जाना है, मैं भी कल जिस वक्त जवान होवांगा तुसी बुढ़े हो जाओगे, मैं भी तुहानू इस मकान ते छड्डन आवांगा। फिर ये जड़ा कंबल का टुकड़ा है उस मकाम से मैं तुम अदा करांगा। उस नौजवान दियां चीखा निकल गईयां, अपने बाबे दे कदमां नूं हाथ लाए अर्ज कीती, बाबा मैनूं माफ कर दे आजे। ओए मुसलमानो, कल असां भी इस मकाम ते आ जाणा, कल असां भी इस स्टेज ते आ जाणा, जदों साडे बच्चियां ने जवान हो जाणा, साडियां कमरां झुक जाणियां ने, ये असां फसलां कट लैणियां, अज जो पीना है असां कट लैणा है, लेकिन मैं हद बन के अर्ज करांगा। अज वालिदैन हयात ने अपने वालिदैन नाल प्यार कर लिया जे, अपने वालिदैन नाल मुहब्बत कर लिया जे, ए जदों वालिदैन दसाया ए से तू उठ जांदा, ए वालिदैन दसाया जदों इस जहान तू चले जांदा, फिर बंदे मैं दोबारा दे नाल गलियां दे नाल बंदियां नूं रोंदियां ते तड़पदियां वेखियां, ते मियां साहब ने दी इज्जत तर्जमानी फरमाई है, आपने सारी दिशारा नचोर अपने इस शेर दे अंदर आखिया, आप फरमांदे ने बाप मरे ते सारे नंगा होवे, ए जदों बाप दा साया ए सिर ते उठ जांदा है, इस जहान तों चले जांदा है, फिर पता लगदा है इस जग दे जहान दे अंदर अज किंज दी जिंदगी गुजारनी है। अज कोई पुछे भाई आसफ करो अज उन्हां ते कीड़ियां बीत दिया, अज ओ बाबा नजरी नहीं आता, जदों रात वापस आने सा हजरात बुढ़ा बाप दरवाजे दे अंदर मौजूद होंदा सी, जड़ा इंतजार करता सी, और किबला मैं अपनी अखियां दे नाल वेखिया, रात मैं तकरीर तो बाद ए शाहपुरा दा मंजर अपनी अखियां दे नाल वेखिया, शाहपुरा दे अंदर सर्दियां दियां रातां एक बुढ़ा बाप उस मकाम ते खड़ा है। मैं गड्डी खड़ी कीती, मैं उस बाबे कोल गया, मैं जाके बाबे दे अगे हाथ बन्ने, मैं पूछिया बाबा सर्दियां दियां रातां ओ शदीद धुंद पई होई, बाबा जी तुसी इत्थे किपे करदे हो? हजरात जदों बाबे दे जुमले निकले मेरियां चीखां निकल गईयां, बाबा कहिंदा किबला कारी साहब इत्थे अपने पुत्तर दा इंतजार पिया करना, अज मेरा पुत्तर वापस नहीं आया, अज फैक्ट्री दे अंदर ओहदा ओवर टाइम सी, अज मेरा पुत्तर वापस नहीं आया। ओए लोगो, मैं केड़ी गल सुनावा, मैं केड़ा दर्द सुनावा, ए वालिदैन बड़ा अनमोल तोहफा, ए वालिदैन दी बड़ी शान जे, ए वालिदैन दा बड़ा मकाम जे। आओ मुसलमानों सुनो, मियां साहब ने अज तर्जमानी फरमाई, आ फरमांदे ने बाप मरे ते सारे नंगा होवे, वीर मरन खाली, अज वीर नाल लड़ाई ना करे आज, अज वीर नाल जायदाद तो ना लड़े आज, अज वीर नाल प्राप्ति तो ना लड़े आज। ओए मुसलमानो, ए वीर वीर दा सहारा, ए वीर वीर दियां बाहां होंदियां जे, ए जदों वीर सिर ते आवण, जदों वीरां दा साया सिर ते आवे, किसे भी कचहरी दे अंदर किसे भी जनाब पंचायत दे अंदर वीर आ जांदे ने, आके कहंदे ने वीरा तू परेशान ना हो, मैं तेरे सिर ते मौजूद, मैं तेरे सिर ते मौजूद हाँ, तेरे वीर आ गए ने। ते एवें ने मियां सामने आखिया, ओए बाप मरे ते सारे नंगा होवे, वीर मरन कंड खा हाली, मामा बाज ओए मोहम्मद बादशाह ते कौन करे रखवा। بس بھئی احباب، میاں صاحب نے فرمایا باپ سران دے تاج،
जिस वक्त इन्हों का साया सिर से जहां उठ जाए फिर पता लगता है। मुसलमानों अपने वालिदैन नाल प्यार, अपने वालिदैन दा अदब, अपने वालिदैन नाल इहतराम कर लो। अज वक्त मिली है जिन्हों के वालिदैन इस दुनिया तो चले गए ने, कब्रस्तान जाके उन्होंने वास्ते पढ़ाई करया करो, कब्रस्तान पढ़िया करो। मेरे सोने नबी ने फरमाया जरा अपने वालिदैन दबरों से जाके जुम्मतुल मुबारक में हाजरी दे के आंदा है, अल्लाह उसके हफ्ते दे सगीरा गुनाहों की माफी अता फरमा छ। अल्लाह पाक सानू मैनू तानू अपने वालिदैन की खिदमत अदब एहतराम इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। ए भाई आसफ सामने जरा सोना इंतजाम किया है, महफल में सजाया, मैनू तानू इस जिक्र का टाइम अता फरमाया। अल्लाह पाक इन्हां दे वालिदे मोहतरम की कामिल बख्शिश फरमाए, उन्होंने जन्नतुल फिरदौस चाला मकाम अता फरमाए। एक बात सुन लो, अकीदे की बात है और अकीदे उत्ते पहरे दे रही है देना साड़ी जिम्मेदारी है। असां तानू दसना है अज बहुत अकीदे उत्ते डाके पै रहे हैं, कोई किसी मसला, कोई किसी मानदार, कोई किसी मामलात को सामने रख के, लेकिन सुन लो जिथे जिथे मेरे सोने नबी ने जिन्हें जिन्हों शाना मकाम रुतबे अता फरमाए ने असी उन्होंने नौकर। एको बात है हाजरी मुकम्मल सुनो मेरे सोने नबी के गुलाम हजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम, और मैं जनाजे के अंदर अर्ज की थी हजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम एक जनाजे के अंदर शिरकत की थी। सोना मदीने का माही, मदीने का ताजदार हजूर जनाजे के अंदर तशरीफ लेके आए। मेरा सोना नबी, मेरे सोने नबी ने फरमाया सहाबा जरा मैयत का चेहरा विखाओ, मैयत का चेहरा वेखिया। मेरे सोने नबी पीछे हट गए। हजूर फरमाते ने मैं जनाजा नहीं पढ़ाना, अगर किसी ने जनाजा पढ़ना है तो पढ़ लो। सहाबा ने हाथ बन्ने अर्ज की सोने तुसा जनाजा नहीं पढ़ाना, हजूर तुसा तो बड़े बड़े गुनाहगारों का जनाजा पढ़ाया है, अगर कोई शराबी सी तो बख्शिश करवाई, अगर कोई जना करके आ गया हजूर तुसा दुनिया के उत्ते सजा दे कि जहन्नम की सजा आजादी दिला दी है, हजूर तुसा क्यों नहीं जनाजा पढ़ाना। मुसलमानों सुनो जुमले वखान का जिम्मेदार, मेरे सोने नबी ने फरमाया सहाबा एदा जनाजा मैं इस वजह तो नहीं पढ़ाना, ए मेरे उस्माने गनी दा दिल दे अंदर बुग्ज़ रखदा सी, ए मेरे उस्माने गनी दा अपने दिल दे अंदर बुग्ज़ रखदा सी। ते कदी भी किसे भी मामलात दे उते कंप्रोमाइज, कदी भी किसे मामलात दे उते कोई सहाबा नु पहुंचे, कोई नबी दी आल नु पहुंचे, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे सहाब नु पहुंचे, साडा उहदे ते कंप्रोमाइज नहीं हो सकदा। अगर मेरे तेरे कोई बाप नु गाली लवे ते असीं बर्दाश्त नहीं करदे, ते जे सोहणे नबी दे सहाबा नु कोई गाली दे दवे। अज सोशल मीडिया तुसीं ते पता नहीं है विचों नौजवान सोशल मीडिया चलांदे होवगे, बड़े अकीदे दे उत्ते डाके पै रहे ने, अपने अकीदे की पासदारी करो, अपनियां नस्लां नु मेरे सोहणे नबी दी मुहब्बत, हजूर दे सहाब दी मुहब्बत, आले नबी दी मुहब्बत ते इश्क सुनाओ। अज असीं अपनियां औलादां नु इश्क मुस्तफा दी दौलत दे के जावांगे। रब्बे काबा दी कसम मैं कहना अपनी औलाद नु अपनी फरमा बरदारी ना सिखाओ, मेरे सोने नबी दी इज्जत करना सिखा लवो, साडियां इज्जतां उंजी बुलंद हो जाणगियां। क्यों? उस औलाद नु पता लग जाएगा कि मेरे सोने नबी ने फरमाया अपने वालिदैन दे अगे उफ भी नहीं करना, अल्लाह दा कुरान ने फरमाया उफ भी नहीं करना। ते जिस वक्त असीं सोने नबी दी इज्जत दा पैगाम, सोने नबी दे इश्क दा पैगाम अपनियां नस्लां दे सीने दे अंदर भर देवांगे, रब्बे काबा दी कसम फिर सानू अपने अदब ते फरमा बरदारियां नहीं सिखानियां पैणगियां। बल्कि जिस वक्त इज्जत मुस्तफा दी गल असीं अपनियां नस्लां दे अंदर खोल के पिला देवांगे, फिर साडियां इज्जतां दी उंजी हिफाज़त। अल्लाह मेरी तेरी हाजरी बाद में कबूल फरमाए। नबी पाक दी नलैन दा सदका, हजूर दी अज़वाज दा सदका, खालिक कायनात दी ज़ात भाई आसफ साहब इन्हां दे वालिद दी ग्रामी दी कामिल बख्शिश फरमाए, इन्हां नूं बच्चियां नूं अल्लाह सबरे जमील ते अजर अज़ीम दी दौलत नाल माला माल फरमाए। आमीन वा खुदा वयान।